आग की जो एक्टिविटी है वोल्टेज आई एम गोइंग टू टेल अबाउट आर की बैक्टीरिया फॉर 11th बायो क्लास। पृथ्वी पर जब परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी उस समय जो है आर की बैक्टीरिया ही पाए जाते थे जो अन्य जीवधारी जीवित नहीं रह सकते। तब जिस प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की क्षमता इन्हें जीवों में पाई जाती है आर की बैक्टीरिया में, जैसे उदाहरण के लिए हैलोफाइल्स, लवड़ी क्षेत्र और उच्च ताप जहां पर अन्य जीवधारी इस ताप पर जीवित नहीं रह सके, थर्मोइलेक्ट्रिक उन स्थानों पर पाए जाते हैं और दलदल वाले क्षेत्रों पर जहां पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है उन क्षेत्रों पर, अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की क्षमता आर की बैक्टीरिया में पाई जाती है। इनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं आर्की बैक्टीरिया के? फर्स्ट है सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में जैसे अन्य जंतुओं में ग्लूटामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान ये सब जो है पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो कोशिका भित्ति होती है आर्की बैक्टीरिया में ये दोनों ग्लूटामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान दोनों जो है एब्सेंट होते हैं। कोशिका की संरचना में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जीव कला से हम लोग कहते हैं। इनमें ज्यादातर क्या होता है जो जीव कला स्तर होता है इसमें दो लिपिड की परतें बस ही परतें होती हैं, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया के कोशिका झिल्ली है जीव कला है इनमें लिपिड लेयर ओनली वन लेयर होती है, ये ही लेयर होती है लिपिड का बसा। और तीसरा जो कैरेक्टर है इनका लिपिड लेयर में इनके हाइड्रोजन साइड ग्रुप होता है ये प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो फैटी लेयर है बसी स्तर जो है वो शाखित होती है ब्रांच होता है, इसीलिए जब बसी स्तर फैटी लेयर इनका ब्रांच होता है शाखित होता है तो उच्च ताप पर भी जो है इनमें जीवित रहने की क्षमता यह प्रदान करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइबोसोम प्रोटीन, इनका प्रकृति में जो है एसिटिक प्रकृति का होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का जो है राइबोसोम प्रोटीन में पाया था कि दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ आर की बैक्टीरिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर की बैक्टीरिया, ये प्रकार कितने हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं आर की बैक्टीरिया। फर्स्ट है मेथेनोजन मींस मीथेन मेकर, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले, अर्थात दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इनका जो नेचर है ये अविकल्पी ऑब्लिगेट आयन एरोबिक अनॉक्सिक प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं, और इसलिए मेथेनोकोकस ये पशुओं के आंत, गाय और भैंस के आंत में भी पाए जाते हैं, रुमेन में भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर बायोगैस बनती है जैसे हम लोग गोबर गैस कहते हैं तो वहां पर गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें इसलिए मीथेनोजन अर्थात मीथेन मेकर्स मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले के नाम से जाना जाता है। सेकंड टाइप है आर्की बैक्टीरिया का हेलोफिश, हेलोफिश मीन साल्ट लवर अर्थात साल्ट लवर लवर्स प्रेमी, अर्थात उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जल में क्षार की मात्रा होती है, ये भी अविकल्पी ऑब्लिगेट एनरोबिक अनॉक्सिक श्वसन वाले जीवधारी होते हैं, गोलाकार जो जीवाणु होते हैं जो गोलाकार प्रकृति के होते हैं, तो इन्हें ये क्षार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर लवड़ी क्षेत्र होता है। तीसरे प्रकार थर्ड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया थर्मोहाइड्रोफिश होते हैं, थर्मोहाइड्रोफिश मीन्स होता है हीट लवर अर्थात ये उष्मा जहाँ पर उच्च ताप होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं जहाँ पर अन्य जीवधारी समान परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते, ये आक्सी प्रकार के होते हैं और उन स्थानों पर ये सल्फर को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने का कार्य करते हैं। दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया दैट्स ऑल। आर्की बैक्टीरिया टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट आर्की बैक्टीरिया फॉर 11th बायो क्लास। पृथ्वी पर जब परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी उस समय जो है आर्की बैक्टीरिया ही पाए जाते थे,
जो अन्य जीवधारी जीवित नहीं रह सकते, तब प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की क्षमता इन जीवों में पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हैलोफाइल्स, लवड़ी क्षेत्र और उच्च ताप जहां पर अन्य जीवधारी इस ताप पर जीवित नहीं रह सकते, उन स्थानों पर पाए जाते हैं, और दलदल वाले क्षेत्रों पर जहां पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है उन क्षेत्रों पर अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की क्षमता आर्की बैक्टीरिया में पाई जाती है। इनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं आर्की बैक्टीरिया के? फर्स्ट है सेलवार, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में जैसे अन्य जंतुओं में ग्लूटामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान ये सब जो है पाए जाते हैं, लेकिन इनके जो कोशिका भित्ति होती है आर्की बैक्टीरिया में ये दोनों ग्लूटामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान दोनों जो है एब्सेंट होते हैं। कोशिका की संरचना में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, जीव कला से हम लोग कहते हैं। इनमें ज्यादातर क्या होता है, जो जीव कला स्तर होता है इसमें दो लिपिड की परतें, बसी परतें होती हैं, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया के कोशिका झिल्ली है, जीव कला है, इनमें लिपिड लेयर ओनली वन लेयर होती है, ये ही लेयर होती है लिपिड का बसा। और तीसरा जो कैरेक्टर है इनका लिपिड लेयर में इनके हाइड्रोजन साइड ग्रुप होता है, ये प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो फैटी लेयर है बसी स्तर जो है वो शाखित होती है, ब्रांच होता है। इसीलिए जब बसी स्तर फैटी लेयर इनका ब्रांच होता है, शाखित होता है, तो उच्च ताप पर भी जो है इनमें जीवित रहने की क्षमता यह प्रदान करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइबोसोम प्रोटीन। इनका प्रकृति में जो है एसिडिक प्रकृति का होता है, अर्थात अम्लीय प्रकृति का जो है राइबोसोम प्रोटीन में पाया था। दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ये प्रकार कितने हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं आर्की बैक्टीरिया। फर्स्ट है मेथेनोजन, मींस मीथेन मेकर, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले, अर्थात दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इनका जो नेचर है ये अविकल्पी ऑब्लिगेट एनएरोबिक अनऑक्सिक प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं, और इसलिए मेथेनोकोकस ये पशुओं के आंत में, गाय और भैंस के आंत में भी पाए जाते हैं, रुमेन में भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर बायोगैस बनती है जैसे हम लोग गोबर गैस करते हैं तो वहाँ पर गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें इसलिए मीथेनोजन अर्थात मीथेन मेकर्स, मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले के नाम से जाना जाता है। सेकंड टाइप की प्रक्रिया का हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मीन्स साल्ट लवर, अर्थात साल्ट लवर, लवर्स प्रेमी, अर्थात उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर जल में क्षार की मात्रा होती है, ये भी अविकल्पी ऑब्लिगेट एनएरोबिक अनॉक्सिक श्वसन वाले जीवधारी होते हैं। गोलाकार जो जीवाणु होते हैं जो गोलाकार प्रकृति के होते हैं तो इन्हें ये क्षार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहां पर लवड़ी क्षेत्र होता है। तीसरे प्रकार थर्ड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया थर्मोहाइड्रोफिल्स होते हैं। थर्मोहाइड्रोफिल्स मीन्स होता है हीट लवर, अर्थात ये उष्मा जहाँ पर उच्च ताप होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल के झरनों में भी पाए जाते हैं जहाँ पर अन्य जीवधारी समान परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते। ये आक्सी प्रकार के होते हैं और उन स्थानों पर ये सल्फर को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने का कार्य करते हैं। दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। दैट आर्की बैक्टीरिया टुडे आई एम गोइंग टू टेल अबाउट आर्की बैक्टीरिया फॉर 11th बायो क्लास। पृथ्वी पर जब परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी उस समय जो है आर्की बैक्टीरिया ही पाए जाते थे, जो अन्य जीवधारी जीवित नहीं रह सकते, तब प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की क्षमता इन्हें जीवों में पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया। जैसे उदाहरण के लिए हैलोफाइल्स, लवड़ी क्षेत्र और उच्च ताप
जहाँ पर अन्य जीव धारी स्तर पर जीवित नहीं रह सके थर्मोस्टेसिस उन स्थानों पर पाए जाते हैं, और दलदल वाले क्षेत्रों पर जहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है उन क्षेत्रों पर अर्थात प्रतिकूल परिस्थितियों में जीने की क्षमता आर्की बैक्टीरिया में पाई जाती है। इनके मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं आर्की बैक्टीरिया के? फर्स्ट है सेलुलर कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में जैसे अन्य जंतुओं में ग्लूटामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान ये सब जो है पाए जाते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति होती है आर्की बैक्टीरिया में ये दोनों ग्लूटामिक एसिड और पेप्टिडोग्लाइकान दोनों जो है एब्सेंट होते हैं। कोशिका की संरचना में सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली जीव कला से हम लोग कहते हैं। इनमें ज्यादातर क्या होता है जो जीव कला स्तर होता है इसमें दो लिपिड की परतें बस ही परतें होती हैं, लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया के कोशिका झिल्ली है जीव कला है इनमें लिपिड लेयर ओनली वन लेयर होती है, ये ही लेयर होती है लिपिड का बसा। और तीसरा जो कैरेक्टर है इनका लिपिड लेयर में इनके फाइव टाइनिस साइड ग्रुप होता है ये प्रेजेंट होता है, लेकिन इनका जो फैटी लेयर है बसी स्तर जो है वो शाखित होती है ब्रांच होता है, इसीलिए जब बसी स्तर फैटी लेयर इनका ब्रांच होता है शाखित होता है तो उच्च ताप पर भी जो है इनमें जीवित रहने की क्षमता यह प्रदान करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है राइबोसोम प्रोटीन। इनका प्रकृति में जो है एसिडिक प्रकृति का होता है अर्थात अम्ली प्रकृति का जो है राइबोसोम प्रोटीन उसमें पाया था। तो दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया के प्रकार कितने हैं? ये तीन प्रकार के होते हैं आर्की बैक्टीरिया। फर्स्ट है मेथेनोजन मींस मीथेन मेकर मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले अर्थात दलदल वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर मीथेन गैस उत्पन्न होती है। इनका जो नेचर है ये अविकल्पी ऑब्लिगेट एनएरोबिक अनाक्सिक प्रकार के ये बैक्टीरिया होते हैं, और इसलिए मेथेनोकोकस ये पशुओं के आंत गाय और भैंस के आंत में भी पाए जाते हैं रुमेन में भी पाए जाते हैं, और जहाँ पर बायोगैस बनती है जैसे हम लोग गोबर गैस कहते हैं तो वहाँ पर गोबर से मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, तो इन्हें इसलिए मीथेनोजन अर्थात मीथेन मेकर्स मीथेन गैस उत्पन्न करने वाले के नाम से जाना जाता है। सेकंड टाइप है आर्की बैक्टीरिया का हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मीन्स साल्ट लवर अर्थात साल्ट लवर लवर्स प्रेमी अर्थात उन स्थान पर पाए जाते हैं जहाँ पर जल में क्षार की मात्रा होती है, ये भी अविकल्पी ऑब्लिगेट एनएरोबिक अनाक्सिक सूक्ष्म वाले जीवधारी होते हैं, गोलाकार जो जीवाणु होते हैं जो गोलाकार प्रकृति के होते हैं, तो इन्हें ये क्षार वाले स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर लवणीय क्षेत्र होता है। तीसरे प्रकार थर्ड टाइप ऑफ आर्की बैक्टीरिया थर्मोहाइड्रोफिश होते हैं। थर्मोहाइड्रोफिश मीन्स होता है हीट लवर अर्थात ये उष्मा जहाँ पर उच्च ताप होता है 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म जल के झरनों में पाए जाते हैं जहाँ पर अन्य जीवधारी समान परिस्थितियों में जीवित नहीं रह सकते, ये आक्सी प्रकार के होते हैं, और उन स्थानों पर ये सल्फर को जो है सल्फ्यूरिक अम्ल में बदलने का कार्य करते हैं। दीज आर मेन कैरेक्टर्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया एंड टाइप्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया दैट्स ऑल।